अब ये खाने के बाद अब तुम नहीं मांगना वरना बेहोश हो जाओगी बहुत ज्यादा। तो ये देखो अब वो खा ले, ओ पेट भर चुका है इसका, वो खा के टन आ गया। उसको भी मिलते हैं स्टार, और ये बहुत सारे स्टार आ गए। और जब बहुत सारे स्टार इकट्ठा होते हैं तो तुम लोग को लाइक भी करना। ओ वाओ यार टाइगर लेके आया है गिफ्ट, वाओ नाइस गिफ्ट। ओ देखते हैं इसमें क्या क्या है, इसमें तो है केक और इसमें है चिकन और इसमें है केक और सारी दवा, वाओ। अब देखते हैं, ओ साशा बाहर से आ गई, ओ माशा भी बाहर से आ गई। देखते हैं कि माशा को कपड़े बदलने, ओ माशा को अपने लिए कपड़े बदलने, और माशा इस कपड़े में बहुत ज़्यादा क्यूट लगी, इसमें तो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही है। वाह इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, ओ इसमें तो और ज़्यादा, कौन सा पहनूँ कौन सा पहनूँ ये सोच रही है माशा। तुम लोग सिलेक्ट करो कि तुम्हें कौन सा ज्यादा प्यारा लग रहा है, अगर तुम्हें जो प्यारा लगेगा उस पे तो वीडियो पे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओ वाओ तो ये इसने पहन लिया है और ये हम लोग कर लेते हैं डन। ओके ये डन हो चुका है और अब माशा का दिल कर रहा है कि वो साइकिल चलाए, तो बाहर बहुत तेज धूप है, घर में नहीं जाना चाहिए बच्चों मम्मा की इजाज़त के बिना। हाँ बियर का तो बैडमिंटन खेलने का टाइम है, वो क्या लग रहा है उसे, लेकिन उसका मूड बदल गया और वो फिशिंग करने चला गया। वाह इतनी ज़्यादा फिश, ओ ओ पकड़ ली। और हाँ बिया तुम कर सकते हो, ओ ये तो शूज था और ये भी फिश थी, बिया का पकड़नी है 6 या 7 फिश, तो ये 3 फिश हो चुकी है। ओ मुझे लगता है कि बिया जल्दी से जल्दी ये फिश नहीं पकड़ पाएगा, तुम्हें क्या लगता है बच्चों ज़रूर बताना कमेंट्स में। और माशा का बेयर हिंदी में तुम लोग को कैसा लगा, माशा की स्टोरी कैसी लगी है ज़रूर कमेंट्स में बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।